हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप लोग। मेरा नाम नबील है। आपके दिल की जो तमन्ना थी वो पूरी हो चुकी है, जो आपने ख्वाब में देखा नहीं था, सोचा नहीं था, वो भी पूरा हो चुका है। आईफोन्स के अंदर कॉल रिकॉर्डिंग भी आ चुकी है, आईफोन्स के अंदर ऐप लॉकिंग भी आ चुकी है, आईफोन्स के अंदर दुनिया भर के कस्टमाइजेशन आ गए iOS 18 के साथ, जो एप्पल ने अपने WWDC 2024 में लॉन्च कर दिया है। इसमें क्या कुछ लॉन्च हुआ है WWDC में, कौन से सॉफ्टवेयर लॉन्च हुए हैं, MacOS, iPadOS, हर चीज आपको डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूं इस वीडियो के अंदर हिंदी लैंग्वेज में, ताकि आप आराम से समझ जाए। अगर आप हिंदी नहीं समझते तो क्लोज कैप्शन ऑन करके आप इंग्लिश में उसको पढ़ सकते हैं। सबसे पहले इस इवेंट के अंदर एप्पल ने एप्पल टीवी प्लस के बारे में बताया था, जिसमें मैं जानता हूं आप लोग ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हो, कुछ नए फीचर्स उसमें आने वाले हैं, तो इसको हम थोड़ा स्किप कर देते हैं। अगली चीज है यहां पे दोस्तों विजन OS 2। अब विजन OS 2 के अंदर आपको बहुत सारे नए एप्लीकेशंस देखने मिलेंगे। विजन OS 2 के अंदर विजन प्रो के जरिए से आप किसी भी फोटो को स्पेशल फोटो बना सकते हैं, यानी कि उसको 3D टाइप में व्यू कर सकते हैं, और अपने पुराने फोटोज के साथ भी आप कर सकते हैं, और फोटोज ही नहीं वीडियोस को भी आप स्पेशल वीडियो बना सकते हो। फोटोज ऐप के अंदर शेयर प्ले आ चुका है विजन प्रो के लिए, तो यहां पे आपको आप जिसके साथ भी शेयर करना चाहते हो उस कॉन्टेंट को, और उनके पास विजन प्रो है, तो ऐसा लगे आपके साथ रूम में बैठकर ही वो आपके फोटोज देख रहे हैं, और साथ में आप एंजॉय कर सकते हैं। विजन OS 2 के अंदर नए जेस्चर्स आपको देखने मिलेंगे। मैक यूजर्स जो मैक पे एडिटिंग करते हैं विजन प्रो पेन के, उनके लिए एक अल्ट्रा वाइड डिस्प्ले देखने मिलेगा, और यहाँ पे हायर रेजोल्यूशन भी देखने मिलेगा, तो काफी यूजफुल रहेगा ये। और विजन प्रो को अगर आप प्लेन में इस्तेमाल करते थे कॉन्टेंट वॉचिंग के लिए या फिर काम करने के लिए, तो आप ट्रेन का सपोर्ट भी, तो ट्रेन में भी आप यूज कर सकते हैं। कैनन EOS R7 कैमरा के लिए स्पेशल लेंस का भी यहाँ पे इजाद कर दिया गया है, जो कि आपके लिए स्पेशल वीडियोस बनाएगा, और इमर्सिव वीडियोस आपने देखे अगर होंगे विजन प्रो के ऊपर, तो उसके लिए नया ब्लैक मैजिक का कैमरा भी लॉन्च कर दिया गया है, जो उसके लिए कमाल की वीडियोस बनाएगा। तो काफी सारा नया कंटेंट विजन प्रो के ऊपर आने वाला है, और विजन प्रो जो है अब US के अलावा और 8 कंट्रीज में आपको खरीदने के लिए मिल जाएगा, और इसके अंदर इंडिया अनफॉर्चुनेटली नहीं है। गाइस, iOS 18 के बारे में मुझे और भी आपको काफी सारी बातें बतानी है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ एयरटेल एक्सिस क्रेडिट कार्ड के बारे में। एयरटेल एक्सिस क्रेडिट कार्ड एयरटेल यूजर्स के लिए बेस्ट क्रेडिट कार्ड है, और इस क्रेडिट कार्ड से आप 16,000 रुपीज एनुअली सेव कर सकते हो। इस कार्ड को लेते ही जब आप पहला ट्रांजैक्शन करेंगे तो विद इन 30 डेज आपको एक 500 रुपीज का अमेजोन का गिफ्ट वाउचर भी मिलता है। एयरटेल मोबाइल ब्रॉडबैंड DTH और वाईफाई पेमेंट्स अगर आप एयरटेल के थैंक्स ऐप से करेंगे इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू, तो आपको 25% तक का कैशबैक मिलेगा। इस कार्ड पे आपको 4 एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस मिलते हैं एवरी ईयर। स्विगी, जोमेटो और बिग बास्केट पे आपको 10% का कैशबैक मिलता है, और यूटिलिटी बिल पेमेंट जैसे इलेक्ट्रिसिटी, गैस वगैरह अगर आप एयरटेल थैंक्स ऐप के जरिए से करेंगे इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू, तो उस पर भी आपको 10% का कैशबैक मिलेगा, और बाकी सारे स्पेंड्स पे आपको 1% का कैशबैक मिलता है। और इजी डाइनर के थ्रू इनके पार्टनर रेस्टोरेंट्स पे आपको 15% का कैशबैक मिलता है। तो देर मत कीजिए, एयरटेल एक्सिस क्रेडिट कार्ड के लिए अभी अप्लाई कीजिए, डिस्क्रिप्शन में और पहले कॉल में लिंक आपको पिंड मिल जाएगा। अब दोस्तों आते हैं iOS 18 के ऊपर, जिसके अंदर आपका दिमाग जो है ब्लो होने वाला है, क्योंकि जो आपने सोचा नहीं था वो सारे फीचर्स iOS 18 में आ रहे हैं। सबसे पहली चीज, और ये बेसिक चीज है लेकिन आप देखिए पूरा आपको समझ में आ जाएगा, रीअरेंज कर सकते हैं ऐप्स को। अब तो आपकी फोटो लगी हुई है उसके ऊपर ऐप्स आ जाते हैं, तो फोटोज जो है वो देख नहीं पाते आप आपके वॉलपेपर पे, ऐप को आप रीअरेंज कर लीजिए अपने मुताबिक, जैसे आप एंड्रॉइड में करते आ रहे हो इतने साल से, अब ये आईफोन पे भी होगा। ऐप आइकन्स के लिए डार्क मोड भी है, तो डार्क मोड फोन के लिए जब ऑन करेंगे तो ऐप के आइकन्स भी डार्क मोड में चले जाएंगे, काफी कूल लगता है ये। ऐप कस्टमाइजेशन शीट आपको मिलती है, जिससे ऐप का लुक पूरा कस्टमाइज कर सकते हो, पूरे एप्लीकेशंस को अलग कलर में आप जो है रंग सकते हो, और एक थीम जैसा इसके साथ आप बना सकते हो, और इसमें काफी सारे फीचर्स, जब वीडियो बनाऊंगा मैं इसके ऊपर डेडिकेटेड तब आपको एक्सप्लेन करूंगा। अब आते हैं कंट्रोल सेंटर के ऊपर, जिसमें बहुत बड़े बड़े चेंजेस थे। कंट्रोल सेंटर में आपको सारे आइकन जो है आप थोड़े राउंडिश नजर आएंगे, काफी एक फ्रेशर और न्यूअर लुक है, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे चेंजेस है, जैसे आपको यहाँ पे ग्रुप ऑफ कंट्रोल्स देखने मिलता है। ग्रुप ऑफ कंट्रोल्स को एक्सेस करने के लिए कंट्रोल सेंटर जैसे आप स्वाइप करते हैं, तो और स्वाइप करते जाइए तो आपको अलग अलग ग्रुप ऑफ कंट्रोल्स देखने मिलेंगे, जो दूसरे एप्लीकेशन के कंट्रोल्स को भी जो है आप इससे एक्सेस कर पाएंगे, और ये ग्रुप ऑफ कंट्रोल जो है पूरी तरह से कस्टमाइजेबल है, और कंट्रोल सेंटर को और रिच और एनहांस कर दिया इसने आपके यूजेज के लिए। कंट्रोल सेंटर के लिए कंट्रोल गैलरी भी देखने मिलती है आपको, जिसमें पूरे कंट्रोल्स आपको देखने मिलेंगे, जो चाहिए जहां चाहिए आप ऐड कर सकते हो, और डिफरेंट एप्स के कंट्रोल्स भी आपको कंट्रोल सेंटर में देखने मिल जाएंगे, अगर आप चाहते हो उनको ऐड करना। तो समझो कोई कार है आपके पास फोर्ड की, उसका कोई कंट्रोल सेंटर का कंट्रोल उन्होंने बनाया हुआ है, वो ऐप इंस्टॉल्ड है, तो उसको आप कंट्रोल सेंटर में लगा सकते हो, और वहां से उस पर टैप करेंगे आप तो ऐप को डायरेक्टली एक्सेस भी कर सकते हैं। और कंट्रोल API फॉर डेवलपर्स भी एप्पल ने रिलीज कर दिया है, तो आप डेवलपर हो तो API का इस्तेमाल करके आप कंट्रोल सेंटर के लिए कंट्रोल्स भी डिजाइन कर सकते अपने ऐप्स के लिए। अब यहाँ पे अच्छी चीज ये है दोस्तों, जो बहुत लोगों की शिकायत रहती थी कि जो लॉक स्क्रीन है इस पे दो ही बटन्स है, एक कैमरा का आइकन है और दूसरा है फ्लैशलाइट। इससे क्या होता है, बहुत लोगों के फ्लैशलाइट ऑन हो जाता है पॉकेट में, कैमरा ऑन हो जाता है, बैटरी ड्रेन हो जाती है, तो अब आप कस्टमाइज कर सकते हो इन बटन्स को, कोई भी एप्लीकेशन आप यहाँ पे लगा सकते हैं जो भी उन्होंने प्रोवाइड किया आपको। और एक्शन बटन वाला फोन है आपके पास 15 प्रो मैक्स, तो उससे भी आप कंट्रोल्स लॉन्च कर सकते हैं। अब प्राइवेसी पे आते हैं, तो अब आप ऐप लॉक लगा सकते हैं किसी भी एप्लीकेशन पे, अपने फेस आईडी के जरिए कोई भी एप्लीकेशन को लॉक कर सकते हैं। ये फीचर सबको चाहिए था, एप्पल ने दे दिया आपको। और
साथ ही एप्लीकेशन हाइड करने का भी ऑप्शन है, तो आपको थोड़ा मस्ती मजाक करने का शौक है अपने आप के साथ, तो आप एप्लीकेशन को हाइड कर सकते हैं और हिडन फोल्डर बना सकते हैं उन एप्लीकेशन का, जिसको अगेन आप लॉक कर सकते हैं। और कॉन्टैक्ट्स का एक्सेस, जिन एप्लीकेशन को हम देते हैं तो पूरा एक्सेस दे देते, तो उसमें भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे फोटोज को सिलेक्ट करते हैं हम, वैसे कॉन्टैक्ट्स को भी सिलेक्ट कर सकते हैं किसको एक्सेस कौन से कॉन्टैक्ट का देना है नहीं देना है। अब iOS 18 के मैसेजेस पे आते हैं, तो यहाँ पे आपको टैप बैक्स का जो ऑप्शन मिलता है रिप्लाई करने का किसी भी मैसेज का, उसमें आपको नए इमोजीज देखने मिलेंगे और किसी भी इमोजी से आप टैप बैक कर सकते हो, शेड्यूल कर सकते हो मैसेजेस को, आप डेट और टाइम के हिसाब से वो मैसेज उस टाइम पे सामने वाले को चला जाएगा। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में काफी सारे अमेजिंग ऑप्शंस है, अब तो ये एक एक करके एक्सप्लोर करते करते ही हम आपको एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन ये थोड़ा सा देख लीजिए आप समझ जाओगे। और टेक्स्ट इफेक्ट्स भी जो है काफी जबरदस्त है। आईफोन 14 या उसके बाद का कोई भी आईफोन है आपके पास जिसमें सैटेलाइट कनेक्टिविटी है, तो आप अब आई मैसेज एसएमएस मैसेज सैटेलाइट के थ्रू भेज पाएंगे, तो अगर आप नेटवर्क में नहीं है तो वो आपके काम आएगा, इंडिया में चलता है कि नहीं तो देखने वाली बात है। iOS 18 के मेल एप्लीकेशन के अंदर बहुत अमेजिंग चेंजेस एप्पल ने किया है, इतना ग्रेट नहीं लगता मुझे ऑनेस्टली स्पीकिंग मेल एप्लीकेशन, लेकिन इसमें अब आपको टैब्स देखने मिलेंगे जिसमें आप इनको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं अपने मेल्स को, और ऑटोमेटिक ऑर्गेनाइज होंगे ये सारे, तो आपको प्राइमरी टैब मिलेगा जहां पे सारे इंपॉर्टेंट ईमेल्स होंगे आपके, फिर ट्रांजैक्शन टैब होगा आपके बैंक ईमेल्स के लिए, अपडेट्स टैब होगा अपडेट्स वाले ईमेल्स के लिए, प्रमोशन टैब्स होगा जहां पे प्रमोशनल ईमेल्स आएंगे, और ऑल मेल में सारे ईमेल्स आपको देखने मिलेंगे, और बिजनेस ईमेल्स जो है उनके लिए नया डाइजेस्ट आपको देखने मिलेगा ताकि ज्यादा अच्छे से आप उसको समझ जाए, और फ्लाइट टिकट्स वगैरह इसमें आपको दिखेगी। मैप्स अब ऑफलाइन आपको देखने मिलेंगे, शायद सिलेक्टेड एरियाज के लिए टोपोग्राफिक मैप्स आपको देखने मिलेंगे। वॉलेट एप्लीकेशन जिन कंट्रीज में एप्पल पे वगैरह के साथ चलता है वहां पे आपको टैप टू कैश देखने मिलेगा, किसी को भी आप ट्रांसफर करते हैं तो टैप करके कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट शेयर करने की जरूरत नहीं, और इवेंट गाइड भी आपको वॉलेट ऐप में देखने मिलेगा। जर्नल एप्लीकेशन जो आता था iOS 17 में उसमें और ज्यादा नए फीचर्स एप्पल ने ऐड किया है, और डेडिकेटेड गेमिंग मोड भी iOS 18 में एप्पल ने दे दिया है। गेम मोड के अंदर जो बैकग्राउंड एक्टिविटीज है, दूसरे एप्लीकेशन वगैरह की एक्टिविटीज है, वो मिनिमाइज हो जाएंगी ताकि गेम को ज्यादा से ज्यादा परफॉर्मेंस मिले, और लो लेटेंसी मोड में आपका आईफोन ऑटोमेटिकली चला जाएगा, तो एयरपोर्ट्स वगैरह कनेक्ट करेंगे तो लो लेटेंसी गेमिंग में मिलेगी आपको, और एयरपोर्ट्स नहीं कंट्रोलर्स पे भी मिलेगी। फोटोज एप्लीकेशन के अंदर भी बहुत अमेजिंग चेंजेस है, यहाँ पे सारे फोटोज अब आपको टॉप पे देखने मिलेंगे, नीचे आपको सारी लाइब्रेरीज वगैरह देखने मिलेंगी, आप फोटोज के अंदर स्क्रीनशॉट्स को फिल्टर कर सकते हो, कलेक्शन जो है उसमें बाय टाइम पीपल मेमोरी ट्रिप्स रीसेंट डेज के हिसाब से कलेक्शंस बना सकते हो, डेज का ऑप्शन है जिसमें उन डेज पे कौन सी फोटो ली गई उसमें स्वाइप कर सकते हो एक एक डेज के हिसाब से, ट्रिप सेक्शन का ऑप्शन है जो ट्रिप्स आपने ली होंगी कई सालों में वो सब ऑर्गेनाइज हो जाएंगी, और कलेक्शंस को आप रीऑर्डर कर सकते हो, और न्यू कैरोसेल वाला आपको पेज भी देखने मिलता है जहां पे आपको पूरा एक कलेक्शन मिलता है फोटोज का, वो भी स्वाइप करते करते देख सकते हैं। अब ये जो जो चीजें मैंने आपको बताई इसके अंदर जो एआई फीचर्स है वो मैं आपको अलग से बताऊंगा जो एआई वाले आपको चैप्टर में देखने मिलेगा। अब ऑडियो एंड होम वाले सेक्शन में आते दोस्तों, इसके अंदर जो है एयरपॉड्स अगर आपके पास है तो इसमें आपको हेड शेक करके एयरपॉड्स को इस्तेमाल करने का जो है ऑप्शन दिया जाएगा। सपोज किसी का कॉल आ रहा है आपको रिजेक्ट करना है तो आप लेफ्ट राइट सर हिला के उसको रिजेक्ट कर सकते हैं या अप एंड डाउन करके उसको एक्सेप्ट कर सकते हो। ये चीज मैंने सोनी के ईयरबड्स में खुद ट्राई कर चुका, तो काफी अच्छे से काम करती है, एयरपॉड्स पे भी करनी चाहिए। एयरपॉड्स प्रो अगर आपके पास है तो वॉइस आइसोलेशन उस पर काम करेगा। पर्सनलाइज स्पेशल ऑडियो मिलेगा आपको फॉर गेमिंग। अब होम ओएस और टीवी ओएस की बात करते हैं, टीवी ओएस के अंदर आपको कोई भी वीडियो देख रहे हो मूवी देख रहे हो उसके लिए इनसाइट्स मिलेंगे, एक्टर का नाम क्या है, म्यूजिक कौन सा इस्तेमाल हुआ है जैसे हम Amazon Prime पे देखते हैं, और इसके लिए आपको रिमोट पे स्वाइप डाउन करना है Apple TV के, या फोन को अगर रिमोट के तौर पे यूज करें तो उस पे भी काम करेगा। डायलॉग एनहांस करने का एक ऑप्शन दिया गया है, तो म्यूजिक को थोड़ा सा लो करके डायलॉग को एम्पलीफाई किया जाएगा क्योंकि कुछ सीन्स के अंदर बहुत ज्यादा म्यूजिक होती है, बहुत ज्यादा साउंड इफेक्ट्स होते हैं, डायलॉग समझ में नहीं आता। प्रोजेक्टर अगर आप इस्तेमाल करते हो तो 21:9 वाला फॉर्मेट आपको मिलेगा इसमें, और न्यू स्क्रीन सेवर्स भी। अब WatchOS 11 के बारे में बात करते हैं, WatchOS 11 में आपको नया ट्रेनिंग मोड देखने मिलता है जिसमें आपको ज्यादा जो है फीचर्स देखने मिलेंगे, ज्यादा इनसाइट्स देखने मिलेंगे, आप किसी भी चीज के लिए ट्रेन करते हो उसके लिए ज्यादा आप अच्छे तरीके से ट्रेन कर पाएंगे। एफर्ट रेटिंग देखने मिलेगी, कितना एफर्ट आप लगा रहे हो, मॉडरेट लगा रहे हो, लो लगा रहे हो या एकदम हाई एफर्ट लगा रहे हो, उस हिसाब से आप जो है अपनी ट्रेनिंग के ऊपर ज्यादा फोकस कर पाएंगे। सपोज आप वेट ट्रेनिंग करते हो उतना एफर्ट नहीं लगा रहे हो तो एफर्ट आप ज्यादा लगा पाएंगे, ये वॉच जो आपको सब कुछ बता देगी। ट्रेनिंग लोड डेटा आपको देखने मिलेगा, तो एथलीट्स के लिए बहुत सही चीज है, पूरा ग्राफ मिलता है आपको इसमें। फिटनेस ऐप के अंदर कस्टमाइजेबल समरी टैब देखने मिलेगा, जो जो आपको चाहिए सब लगा सकते हो आप, और हर डे का गोल आप कस्टमाइज कर सकते हो। अभी कैसा है 500 कैलोरीज का गोल है मेरा तो वो सब दिन के लिए एक रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं रहेगा, किसी दिन के लिए ज्यादा गोल सेट कर सकते हो, किसी दिन के लिए कम। एक नया वाइटल्स ऐप देखने मिलेगा जिसके अंदर आपके जो वाइटल्स है जैसे आपका हार्ट रेट, आपका SPO2, आपका टेम्परेचर, जब आप सोते हो वो सारी चीजों को वो ट्रैक करेगा, और उसमें कोई भी अप एंड डाउन होता है, कोई रिस्क वाला फैक्टर तो आपको नोटिफाई करेगा। साइकिल ट्रैकिंग के अंदर जेस्टेशनल एज जो है वो भी बताएगा। अभी WatchOS के अंदर जो स्मार्ट टैग है जो एप्पल ने इंट्रोड्यूस किया था WatchOS 10 में, उसके अंदर और नए विजेट्स देखने मिलेंगे, उसमें लाइव एक्टिविटीज देखने मिलेंगी, और इन ऐप डबल टैप भी देखने मिलेगा। वॉच फेस जिसमें फोटोज आप लगा सकते हो उसमें बेस्ट फोटो सिलेक्ट करके देगा मशीन लर्निंग के जरिए से, और एक्टिविटी रिंग्स जो आपकी वो पॉज कर सकते हो। समझो कार चलाते हैं हम, कभी कभी बताते हैं ना कि आप वॉक कर लिए, इतना वो कर लिए, उसका पॉज भी कर सकते हैं, कार ड्राइविंग के टाइम पे पॉज हो जाएगा। अब आते हैं iPadOS 18 के ऊपर। iPadOS 18 के अंदर आपको फ्लोटिंग टैब बार देखने मिलेगा, और ये सारे एप्लीकेशंस में काम करेगा। इसमें और आपको फीचर्स वगैरह देखने मिलेंगे, और ज्यादा
ज्यादा चीज आप एक्सेस कर पाएंगे। एनिमेशन जो है आईपैड ओएस के और रिफाइन किया एप्पल ने। शेयर प्ले के अंदर एनहांसमेंट है, स्क्रीन शेयरिंग के अंदर के मदर फादर किसी से भी आप बात कर रहे हो, एक एग्जांपल आपको बता रहा हूं, आपके पास आईपैड है, उनके पास आईफोन या आईपैड है, आप रिमोटली उनके फोन को या आईपैड को कंट्रोल कर सकते हो उनकी परमिशन के साथ। उनको कोई सेटिंग समझ में नहीं आ रही, कुछ प्रॉब्लम फेस करे तो आप उसको रिजोल्व कर सकते हो, और आईपैड पे आप एरो बना के बता सकते हो कि कहां पे क्लिक करना है कहां पे नहीं, तो ये भी उनको दिखेगा। फ्री फॉर्म अगर आप इस्तेमाल करते हो तो उसमें सेक्शन सिलेक्ट करके आप प्रेजेंट कर सकते हो। और सबसे बड़ी चीज दोस्तों, कैलकुलेटर ऐप जो है आईपैड के लिए आ चुका है, और आपका दिमाग जो है पूरा ब्लो हो जाएगा इसको देखकर, और मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। कैलकुलेटर ऐप के अंदर हिस्ट्री आपको देखने मिलेगी, यूनिट कन्वर्जन देखने मिलेगा, ये तो सब नॉर्मल चीज है, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी चीज है मैथ नोट्स। मैथ नोट्स के अंदर क्या है, आप मैथ नोट्स जब एक्टिवेट कर देंगे कैलकुलेटर ऐप का, ये नोट्स में भी काम करेगा, बहुत जगह काम करेगा। इसके अंदर आप कोई भी प्रॉब्लम अपनी लिखेंगे मैथ्स की, उसका सोल्यूशन ये इक्वल टू साइन डालते ही आपको बता देगा, चाहे वो कोई कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला है जिसका आप इस्तेमाल करें या सिंपल कैलकुलेशन है प्लस माइनस वाला। इक्वल साइन पे टैप करके आप ग्राफ बना सकते हैं उसका, और टैप करके आप एंगल भी एडजस्ट कर सकते हैं जो एंगल्स आपने इनपुट किया है। तो जब भी आप वैल्यू चेंज करेंगे कहीं पे भी, तो वो इक्वल टू के बाद का जो रिजल्ट आने वाला है वो भी चेंज होगा उसके हिसाब से। और ये जो ऑटो रिजल्ट्स वाला ऑप्शन है इस मैथ नोट्स का, ये नोट्स एप्लीकेशन में भी काम करता है। तो है ना एकदम कमाल का कैलकुलेटर ऐप, इसलिए इतने साल लगे एप्पल को कैलकुलेटर निकालने के। आईपैड ओएस और आईओएस इन दोनों के अंदर बहुत सारी चीजें सेम ही है, ये बात समझ लीजिए। जो आईओएस के अंदर है वो आईपैड ओएस के अंदर है, उसके अलावा और एडिशनल क्या है वो मैंने आपको बताया। आईपैड ओएस के अंदर एक और चीज है स्मार्ट स्क्रिप्ट, आपकी जो हैंडराइटिंग में आप लिखते हो कोई भी नोट्स लेते हो उसको वो रिफाइन करेगा, हैंडराइटिंग आपकी दिखेगी, लेकिन आपने एकदम फास्ट फास्ट लिख दिया, खराब तरीके से लिख दिया, तो उसको अच्छा दिखाएगा, उसको सुधार देगा, इस तरीके से वो रिफाइन करेगा पूरे आपकी राइटिंग को। साथ ही आपको बताया कि नोट्स के अंदर हम टाइप टेक्स्ट जो है वो पेस्ट करेंगे थोड़ा अलग सा बन जाता है, लेकिन वैसा नहीं होगा। अब जब आप उसको पेस्ट करेंगे तो आपकी हैंडराइटिंग में वो पेस्ट होगा, और कर्सर को पकड़ के आप पेंसिल की मदद से जो आपकी हैंडराइटिंग है उसमें स्पेस वगैरह बना पाएंगे। तो काफी एडवांस्ड फीचर्स दिया है यहाँ पे एप्पल ने। अब बात करते हैं दोस्तों मैक ओएस के बारे में। मैक ओएस का नया वर्जन जो इसका नाम है सिकोया। सिकोया में सबसे पहली चीज जो आपको देखने मिलेगी वो है एनहांस कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी के अंदर सबसे बड़ा फीचर जो आपको देखने मिलेगा वो है आईफोन मिररिंग। अब मेरा आईफोन अगर मेरे बैग में भी पड़ा है तब भी मैं उसको अपने मैकबुक से एक्सेस कर सकता हूँ, उसके सारे एप्लीकेशन को एक्सेस कर सकता हूँ, सारी चीजें जो है उसमें मैं वैसे ही कर सकता हूँ जैसे मैं टच करके अपने आईफोन में करता हूँ। बस यहाँ पे ट्रैक पैड यूज करना है मुझे, अलग अलग पेजेस को स्वाइप कर सकता हूँ, कोई भी एप्लीकेशन ओपन कर सकता हूँ, कंट्रोल सेंटर ओपन कर सकता हूँ, किसी को कॉल लगाना तो लगा सकता हूँ, आईफोन के नोटिफिकेशन भी मैं अपने मैक पे ले सकता हूँ, और ये सब करने के लिए मेरा आईफोन लॉक्ड रहेगा, कोई उसको एक्सेस नहीं कर सकता। और अगर मैं अपने डेस्क पे उसको स्टैंड बाय पे लगा देता हूँ, अपने आईफोन को चार्ज हो रहा है वो, तब भी ये सारी चीजें मैं कर सकता हूँ। और कमाल की बात बताऊँ, आपको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं आप आईफोन से मैक पे, मैक से आईफोन पे इंस्टेंटली। ऐसे तो एयर ड्रॉप आप करते हैं, लेकिन अब ड्रैग ड्रॉप भी आ गया है इसके अंदर। मैकओएस के अंदर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के अंदर काफी एनहांस फीचर्स आपको देखने मिलेंगे, जैसे प्रेजेंटर प्रीव्यू मिलेगा, मतलब बहुत सारे विंडोज ओपन है, पूरा स्क्रीन शेयर नहीं करना, एक पर्टिकुलर विंडो आप शेयर कर सकते हैं प्रीव्यू देख के, बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, और बैकग्राउंड के अंदर काफी सारे ऑप्शंस है और ज्यादा क्वालिटी आपको मिलेगी। और अब कीचेन एप्लीकेशन आ गया है आपके पासवर्ड्स को स्टोर करने के लिए, मैक ओएस पे भी, आईओएस पे भी, आईपैड ओएस पे भी, तो सारे पासवर्ड जो है आपके वो वहां पे स्टोर रहेंगे। वो सेटिंग के अंदर एक सेटिंग दी हुई थी कीचेन की, वो अलग है, और ये यहाँ पे जो है प्रॉपर आपको एक एप्लीकेशन मिलेगा सब मैनेज करने के लिए। सफारी के अंदर ज्यादा प्राइवेसी है, ज्यादा इन्फॉर्मेशन हाईलाइट करेगा सफारी। रीडर मोड मिलेगा जहां पे आपको कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं रहेगा। व्यूअर मोड मिलेगा अगर सफारी में कोई ऐसा वेब पेज ओपन करते हो जहां पे कोई वीडियो है, तो वो ज्यादा जो है आपको प्रोमिनेंट दिखाएगा, बाकी चीजें म्यूट करेगा। और मैक पे गेमिंग भी जो है एप्पल ने एनहांस किया, ज्यादा आपको टाइटल्स देखने मिलेंगे, ज्यादा गेम्स देखने मिलेंगे, जैसे आपको विंडोज में एक बड़ा इकोसिस्टम मिलता है वैसे मैक पे भी बनाने की कोशिश कर रहा है एप्पल। और गेम पोर्टिंग टूल किट मिलेगा, यानी कि मैक के गेम्स आईफोन पे, आईफोन के गेम्स मैक पे ला सकते हैं डेवलपर्स, तो ये सारी चीजें काफी अच्छी कर रहा है एप्पल। अब बात करते हैं दोस्तों एआई फीचर्स के बारे में, और इसी में सारा कमाल जो है छुपा हुआ है इस इवेंट का। तो एआई को यहाँ पे एप्पल ने एप्पल इंटेलिजेंस बोला है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जगह। तो एप्पल के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है, एआई है, एप्पल इंटेलिजेंस है, लेकिन अपने लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही है। तो यहाँ पे आपके एप्पल डिवाइसेस की जो कैपेबिलिटीज है वो बहुत ज्यादा एनहांस होगी। नोटिफिकेशन प्रायोरिटाइज होंगे आपके एआई की मदद से, और ये सारा एआई जो मैं आपको बताने वाला सब ऑन डिवाइस रहने वाला है। न्यू राइटिंग टूल्स आपको देखने मिलेंगे, आप इमेजेस क्रिएट कर पाएंगे, और वो भी तीन यूनिक स्टाइल्स में, एआई और सीरी, और ये सारी चीजें जो है कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शंस आपके फॉलो कर पाएगा। और ये सारा ऑन डिवाइस प्रोसेसिंग होगा, किन चिपसेट्स के ऊपर भी बता देता हूँ। एप्पल का A17 प्रो चिपसेट जो सिर्फ और सिर्फ 15 प्रो और 15 प्रो मैक्स में आता है, और एप्पल के M1 से लेके M4 वाले जो चिपसेट्स है जो मैकबुक एयर में भी आते हैं, आईपैड्स में भी आते हैं, उन पे चलेगा। तो कौन से फोन पे कौन से फीचर्स आने वाले हैं तो आगे जाके हमको पता चलेगा, लेकिन अभी सारे फीचर्स देख लो आप। सबसे पहला एआई फीचर जो आया है वो आया है सीरी के अंदर। सीरी का नया एनिमेशन देखने मिलेगा, वो छोटा सर्कल आता था वैसा नहीं, स्क्रीन के अतराफ बॉर्डर पे इल्यूमिनेट होगा, बहुत खूबसूरत दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है। सीरी को सिर्फ वॉइस ही नहीं, टाइप से भी आप कमांड दे सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं अगर आपको बोलना नहीं है तो। और इसको एक्टिवेट करने के लिए बॉटम बार पे आपको टैप करना है। सीरी में ऑन स्क्रीन
स्क्रीन अवेयरनेस है, मतलब स्क्रीन पे जो कुछ होगा वो सीरी मॉनिटर कर सकता है, लेकिन ये ऑन डिवाइस होगा। सीरी के जरिए से आप फोटो एडिट कर सकते हो, सीरी को बोल सकते हो फोटो को पॉप करो, वो कर देगा। अगली एआई वाली चीज जो है वो मेल के अंदर आई है, आप रीराइट कर सकते हो ईमेल विद एआई। जो ईमेल का टोन है वो आप चेंज कर सकते हो, प्रोफेशनल कैजुअल सब बना सकते हो। ईमेल्स को समराइज कर सकते हो, बड़ा ईमेल है तो स्मार्ट रिप्लाई दे सकते हैं किसी को भी, जैसे किसी ने आपको पूछा कहीं आ रहे हो क्या, तो आपका ऑटोमेटिकली रिप्लाई वहां पे रेडी रहेगा। प्रायोरिटी नोटिफिकेशन जो मैंने आपको बताया उसमें आपको रिड्यूस इंटरप्शन का ऑप्शन भी देखने मिलेगा, तो बहुत सारे नोटिफिकेशन अगर कचरा जैसे जमा हो रहा है तो उसमें आप इंटरप्शन को रिड्यूस कर सकेंगे। फिर जेन इमोजी है जहां पे आप इमोजीज जनरेट कर सकते हो, जो भी आपको लिखना है लिखिए, एक इमोजी जनरेट करके आपको बता देगा, जनरेटिव एआई तो आप जानते ही है। और इसके अंदर आपको मिलता है इमेज प्लेग्राउंड, तो दो तीन टाइप्स के थीम्स आप चूज कर सकते हो, उसमें इमेज बना बना के देते रहेगा। अब इमेज जनरेशन के बारे में बताता हूं मैं आपको इनके एआई फीचर्स के। इमेज प्लेग्राउंड का एक आपको डेडिकेटेड ऐप देखने मिलेगा जिसमें आप इमेज प्लेग्राउंड का इस्तेमाल करके, थीम्स का इस्तेमाल करके अलग अलग फोटोज वगैरह तो बना ही सकते हो, और ये इमेज प्लेग्राउंड जो है सारे एप्लीकेशन के अंदर भी चलेगा। तो नोट्स में आपको कुछ बनाना है वहां पे चलेगा, सब जगह चलेगा। और अभी कमाल की चीज देखिए आप, अगर आप नोट्स एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हो, एप्पल पेंसिल से कुछ स्केच कर रहे हो आप, और ये iOS 18, iPadOS और MacOS तीनों में चलेगा, कुछ स्केच वगैरह कर रहे हो, वो स्केच को आपको अगर बनाना है किसी इमेज में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जनरेटेड इमेज में, तो आप यहाँ पे एक टूल सिलेक्ट कर सकते हैं जो आपके टूल बार में ऐड हो जाएगा, और एप्पल पेंसिल से आपको बस उसके ऊपर घुमाना है अपनी पेंसिल को और एक इमेज बन जाएगी। और कहीं पे इमेज नहीं भी है, आपने स्केच नहीं किया है, आपको नहीं आता स्केचिंग, तो भी वहां पे खाली पोर्शन में जो लिखा है अपने टेक्स्ट उसके हिसाब से इमेज बना के देगा। अब फोटोज के अंदर एआई का क्या इस्तेमाल है, तो क्लीनअप टूल, मतलब बैकग्राउंड में जो अनवांटेड चीजें है वो आप इंस्टेंटली डिलीट कर पाएंगे। नेचुरल लैंग्वेज सर्च आ गया है फोटोज एप्लीकेशन के अंदर, आपको कुछ भी चीज सर्च करना है आप लिख सकते हैं, फोटोज में ढूंढ के दे देगा, किसी वीडियो के अंदर की कोई पर्टिकुलर चीज ढूंढेंगे वो भी आपको दिखाएगा। मेमोरी मूवीज आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से और एनहांस तरीके से बना के देगा। नोट्स के अंदर भी आप ऑडियो आप रिकॉर्ड कर पाएंगे। और सबसे बड़ी चीज दोस्तों, कॉल रिकॉर्डिंग भी अब जो है आईफोन के ऊपर आ चुकी है, तो iOS 18 में कॉल रिकॉर्ड कीजिए, सामने वाले को नोटिफिकेशन भी जाएगा कॉल रिकॉर्ड हो रही है, और वो कॉल को आप टेक्स्ट के फॉर्मेट में ट्रांसक्रिप्ट कर सकते हो, और ये फीचर आ चुका है जो आपको चाहिए था। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, चैट जीपीटी का इंटीग्रेशन एप्पल ने कर दिया है, इट विल बी फ्री, आप फ्री में चैट जीपीटी जो है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कंप्लीट iOS के अंदर आपके कीबोर्ड पे काम करेगा, सब जगह काम करेगा। आपको कोई फोटो को चैट जीपीटी के ऊपर डालना है, मतलब कुछ यूज करना है उसको, कुछ चेंजेस करना है उसके अंदर, उससे रिलेटेड कुछ टेक्स्ट वगैरह निकालना है आपको चैट जीपीटी से, कुछ भी चीज चाहिए तो आप वो भी कर सकते हो, और आपको बिना परमिशन के कोई चीज चैट जीपीटी के सर्वर्स पे नहीं जाएगी। और दोस्तों अगर आप जानना चाहते हो कि iOS 18 किन डिवाइसेस पे आएगा, तो सभी डिवाइसेस जो iOS 17 को सपोर्ट कर रहे थे उनके लिए एप्पल ने iOS 18 अवेलेबल करवा दिया है, तो आप अपने फोन पे भी iOS 18 इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये थी दोस्तों आज के हमारे वीडियो की कहानी, और भी वीडियोस आने वाले iOS 18 से रिलेटेड, iPadOS 18 से रिलेटेड, और बहुत सारे वीडियोस आपको देखने मिलेंगे, तो उसके लिए जुड़े रहना हमारे चैनल के साथ, और जुड़ने के लिए आपको सब्सक्राइब बटन दबाना पड़ेगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपका आज का वीडियो पसंद आया, पसंद को लाइक शेयर जरूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। गुड बाय।